हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनु और आप लोग सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए, आज का वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका से मैं क्या रिग्रेट की हूँ बाय करने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। तो नायका से मैं ये प्रोडक्ट जो की है इस बॉक्स के अंदर, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डिसलाइक करती हूँ और मैं ये कभी जिंदगी में नहीं मंगाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा ये है प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोग नोटिफाइड हो जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नायका से सारा कुछ मंगाती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ रेफर करूंगी नायका से ही। आप जितना भी कॉस्मेटिक्स का सामान हो वही मंगाए, लेकिन कुछ कुछ आपको वर्क नहीं करता है, जिससे आपको लगता है कि एक पैसा खर्च हो गया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि मुझे लगा कि पैसा जो है मैं वेस्ट कर दी अपना इस सारे सामान में। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला प्रोडक्ट, जो कि है नायका का नेल पॉलिश। ये नायका का नेल पॉलिश है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं कभी नहीं खरीदूंगी अब इसको। ये है ब्लूबेरी फ्रॉस्टिंग 16। ये बहुत अच्छा है देखने में नेल पॉलिश, क्योंकि लैवेंडर कलर का है और किसी को भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लैवेंडर कलर अभी बहुत अच्छा कलर माना जाता है। तो ये नेल पॉलिश बहुत ही अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मैं सारा कुछ सर्च करके ही इसको मंगाई थी गूगल यूट्यूब। अब आप जानते ही हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो की होता है वो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं कि कहीं मैं अपना पैसा जो है वो कहीं ऐसे जगह पे खर्च करूं जिससे मुझे फायदा मिले, यानी जिससे मुझे पाकर बहुत अच्छा लगे। लेकिन 499 का है और मुझे ये रिग्रेट हुआ बाय करने में, क्योंकि ये एकदम अच्छा नहीं था। ये टूटे हुए भी रिसीव हुए थे, लेकिन एकदम हल्का सा, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का ही पैचेस आया हुआ था और इस तरह का टूटा हुआ था, हल्का सा टूटा हुआ था। तो ज्यादा टूटा हुआ नहीं था कि वो लिक्विड बाहर आ रहा था, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ हल्का सा देख सकते हैं यहाँ पे टूटा हुआ है। तो ऐसे ही मुझे रिसीव हुआ था, और प्लस मैं इसको कोट कर रही थी तो कोट भी नहीं हो रहा था, जो कि मुझे ना 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 ना, अब मैं कभी जिंदगी में इस कलर को तो नहीं मंगाऊंगी। और भी बहुत सारा कलर होगा इसका वेरिएंट का जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। बात कर लेते हैं सेकंड की, और सेकंड है ये नायका का लिपस्टिक जो कि प्लम कलर में है, 15 ml का है और ये प्लम कलर में है। नायका मिनी लिपस्टिक है ये भी आई थिंक 499 का ही कॉस्टिंग में है, आई डोंट नो, बट मैं प्राइस को लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ये नायका का प्लम कलर है और 15 ml है। आप जानते होंगे कि ये 15 ml कलर जो प्लम का है वो बहुत लोग को पसंद आता है, यानी मोस्टली बहुत लोग जो है वो प्लम कलर यूज करते हैं। तो आप देख पाएंगे ये कलर बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। लेकिन इसको आप अगर अप्लाई करेंगे, लाइक देखिएगा, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे हाथ में तो परफेक्टली हो रहा है, लेकिन अगर आप लिप्स में अप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ये थोड़ा सा आपके जो पैचेस, अगर वैसलीन नहीं लगाई बात कर रही हूँ, तो ये लिपस्टिक जो है हाइड्रेट करने से पहले आप अगर लगाएंगे तो नहीं लगेगा कभी भी मॉइस्चराइज, यानी अपने लिप्स को जब तक हाइड्रेट नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो 4-5 कोट के में अच्छा लुक आएगा इसका, पहला कोट में नहीं आएगा, इसलिए ये अच्छा नहीं है उतना मेरे लिए। इसके साथ मैं ये वाला ली हूँ जो कि है ये 11 ml का न्यूट कलर है। ये जो है मैं बहुत यूज करती हूँ, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट करती हूँ, मैं आप लोग को बस जस्ट दिखा रही हूँ कि ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसमें लिपस्टिक, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज करती हूँ और ये मेरा फेवरेट कलर है नायका से, ये वाला लिपस्टिक जो कि है 11 ml, ये वाला न्यूट कलर है। ये प्लम का कलर है, प्लम जैसा लगेगा, और ये इसमें 3-4 कोट आप डालिएगा तभी आपके लिप्स में बैठेगा, लेकिन इसमें एक ही कोट में आपका लिप्स जो है बहुत बेहतरीन लगता है, विदाउट एनी लिप हाइड्रेटिंग क्रीम और मॉइस्चराइजर। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं उतना। नेक्स्ट है कि नायका से ही है, मैं रियल सीसी का सैंडल क्लींजिंग मिल्क मंगवाई थी, और ये डीप क्लींजेस एंड सूदे स्किन, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, पता नहीं मैं क्यों मंगाई थी, मैं यहाँ थोड़े से यूज की हूँ इसको, तो ये मैं प्रोडक्ट अब कभी नहीं मंगाने वाली हूँ।
ये जो है ये VLCC का है और इसमें 140 रुपीज का है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं 140 रुपीज बर्बाद कर दी हूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, जो कि मैं कभी जिंदगी में नहीं खरीदने वाली हूँ। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत बहुत अच्छा ब्रांड है, मीन्स एक्सट्रीमली अच्छा ब्रांड है ये, और ये है कामा का आयुर्वेदिक रेजुवनेटिंग नाइट क्रीम। सो ये ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है, आयुर्वेदिक है। मैं कामा का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ की हूँ, जैसे कि रोज वाटर, कामा का जो कि रोज वाटर बहुत अच्छा होता है, वो मैं यूज़ की हूँ। और उसके बाद मैं उसका जितना फोमिंग फेस वॉश होता है कामा का, वो मैं यूज़ की हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो कामा का रोज वाटर जो कि। अब मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि क्यों मैं कामा का रेजुवनेटिंग ब्राइटनिंग नाइट क्रीम अपने लिस्ट में शामिल की हूँ, क्योंकि कामा का बहुत सारा प्रोडक्ट मुझे सूट करता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है नहीं सूट करता है। उसमें से एक ये है जो कि नाइट क्रीम है, और ये नाइट क्रीम का दाम आप सुनेंगे तो ये है 2249 रुपीज़ का, और ये बहुत ही मतलब आपको क्या बोले, दिल पे पत्थर रख लिए हम खरीदते समय तो। और ये खरीदे थे और ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कारण क्या क्या है मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले ये तो लुक बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मैं गूगल रिसर्च की थी और यूट्यूब पे रिसर्च की थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है नाइट क्रीम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एवरी यूट्यूबर जो है वो बोल रहे थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मुझे लगा कि चलो ले लेते हैं, नाइट क्रीम है, ड्राई स्किन टाइप भी है मेरा, और चलो नाइट क्रीम भी लगा लेंगे, गोरे हो जाएंगे, दाग हट जाएगा, ये है वो है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सुंदर पैकेजिंग में आता है, मैं आप लोग को शेयर कर दे रही हूँ, क्यों नहीं बाय कर की हूँ करूंगी अब मैं कभी इसको। ये पूरा का पूरा बचा हुआ मतलब, तो ये प्रोडक्ट को मैं 1 महीना 1 मंथ ही यूज की थी, और ये जो है ये बहुत अच्छा पैकेजिंग में आपको बहुत ज्यादा पैकेजिंग जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ये बहुत ज्यादा गोल्डन कलर में मुझे जब रिसीव हुआ था ये, तो वाह वाह बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा इसके पैकेजिंग है, वाह वाह, लेकिन वाह वाह वाह। सो ये क्या हुआ कि इसमें मैं इसको जो है ऐसे करके निकाली, तो इसको 1 मंथ तक यूज की हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा बचा हुआ है प्रोडक्ट इसमें। तो ये क्या करता है आपके बेसिकली, आपको बहुत लोग को शायद ये सूट करता होगा, बट मुझे नहीं किया, क्योंकि मुझे ये ड्राई स्किन टाइप तो है ही मेरा, और ये नाइट क्रीम जो है ये थोड़ा सा येलो टिंट छोड़ देता है आपके स्किन में, और ये मतलब गोरा तो नहीं करता है बेसिकली, ये गोरा तो ब्राइटनिंग क्रीम है बट ये गोरा नहीं करता है आपके स्किन को, ये येलो टिंट छोड़ देता है, और प्लस ये ब्लेमिशेस को हल्का हल्का रिमूव करता है, यानी पूरे तरह से नहीं करता है। ये मतलब तो जितना इसका प्राइस है ये वर्थ नहीं करता है इतने प्राइस को, क्योंकि ये ब्राइटनिंग क्रीम जो कि मैं एक आप लोग के साथ होममेड रेमेडी जो कि है शेयर की थी ब्राइटनिंग के ऊपर, इसी को लेकर मैं यूज़ की थी, जो वो 0 रुपीज़ में होममेड बन गया था, और ये जो है नाइट क्रीम जो है 2249 रुपीज़ में है, तो जो कि ये रिग्रेट करते हैं हम बाय करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाम है और उससे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया मेरे को, इसलिए मैं इसको यूज़ अब कभी नहीं करूंगी और ना ही कभी खरीदूंगी। ये था नायका से मेरा प्रोडक्ट जो कि मैं कभी नहीं खरीदूंगी, ऑब्वियस सा बात है मैं अपना पैसा वेस्ट दोबारा नहीं कर सकती ये सारे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं किया। तो अगर आप लोग को भी अगर ये सारा जो कि प्रोडक्ट है ये अच्छा लगा और ये जानकारी अच्छा लगा आप लोग को, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे आप लोग नोटिफाइड हो जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।